नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन के बीच सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने का जिम्मा अब उठा लिया है। इसी कड़ी में सोमवार और मंगलवार से राज्यों में अलग अलग शहरों में मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्राइवेट क्लिनिक के सामने फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। इसके अलावा भीड़ पुलिस स्टेशनों पे भी नजर आ रही है, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद मजदूरों को पुलिस स्टेशन या फिर जिला मुख्यालय पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही वो ट्रेन या बस से अपने राज्यों तक जा सकते हैं। मुंबई में करीब 7 लाख से अधिक लोग है जिन्हें अपने राज्यों में जाना है। घर वापसी के लिए लगने वाले दस्तावेजों में से हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इसलिए सरकार अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिक के सामने प्रवासी मजदूरों की कतार लगी हुई है। कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर 500 रुपए तक सर्टिफिकेट के लिए ले रहे हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के डॉक्टरों से अपील की है कि 100 से ज्यादा रुपए ना ले। डॉक्टरों के अनुसार सही तरीके से सर्टिफिकेट जारी करने में एक व्यक्ति पर 10 मिनट लगता है, इसलिए पहले उनका बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है, फिर सर्दी जुखाम या बुखार की हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। महाराष्ट्र में किस तरह से क्लिनिक के सामने भीड़ जमा हो रही है देखिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।